Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And in this vlog, I'm going to ride the S1000RR. और ये एम स्पोर्ट वाली है, तो टॉप स्पेक वेरिएंट है ये. S1000RR का ये कलर आपको सिर्फ एम स्पोर्ट पैकेज में मिलेगा. और एक्चुअली ये मोटर स्पोर्ट वाला स्कीम है. इनफैक्ट आप सीट भी देख सकते हो, तो आपको एम स्पोर्ट की बैजिंग मिल जाएगी. एंड कैमरा इज़ रोलिंग, बैटरी इज़ लो, सो एम आई, बट लेट्स गेट हाई नाउ. चलिए पूरी S1000RR चेंज हो गई है और इतनी ज्यादा इजी टू राइड लग रही है. लग ही नहीं रहा है कि मैं बहुत बड़ी बाइक चला रहा हूँ. स्पीडोमीटर जैसे कि मैंने बताया आपको, सेम जो बाइक हम चला के आए हैं 900R BMW की, सो सेम वैसा ही है. और जो एक्सेलरेटर है वो थ्रॉटल का रिस्पॉन्स है, इतना ज़्यादा क्रिस्प है बता नहीं सकता मैं. तो अभी यहाँ पे रोड्स उतनी अच्छी नहीं है कि मैं इस बाइक को भगाऊं, या मतलब थोड़ा सा जैसा अपने स्टाइल में बाइक्स उड़ाते हैं ना, वैसा करूं. तो अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपरली इस बाइक के बारे में. तो अगर स्पीडोमीटर की बात करें तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा एडवांस स्पीडोमीटर आपको किसी भी बाइक में मिलेगा. जस्ट लाइक F900R, मतलब मुझे उल्टा कहना चाहिए कि इसका जो स्पीडोमीटर है वही सेम स्पीडोमीटर आपको F900R में मिलेगा. एंड इसका स्पीडोमीटर इतना ज़्यादा एडवांस है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इतने स्विच गियर्स हैं ना, ऐसा लगेगा कि आप एक एरोप्लेन उड़ा रहे हो. तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है. मैं किस लिए हूँ, सारी चीज़ें मैं आपके लिए इजी करता हूँ. DTC स्टैंड्स फॉर डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल. और BMW इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स टू ऑफर बेस्ट इन क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स. तो अभी हम देख रहे हैं, थोड़ी सी भी रोड मिल जाए थोड़ा सा चला के देख लें इसको, थोड़ा इन्जॉय करें इस बाइक को. वेरी पावरफुल मैन, वेरी पावरफुल. सीटिंग पोस्चर थोड़ा सा ज़्यादा कमिटेड है, तो आपको मतलब इससे लंबे सफ़र पे जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसके अलावा बाइक अच्छी है. और एक्चुअली S1000RR का अगर कमिटेड नहीं होगा तो कौन सी बाइक का होगा यार, ये भी तो सोचो. तो जैसा कि मैंने बताया, मुझे प्रीवियस जनरेशन वाली S1000 ज़्यादा पसंद थी. वेरी पावरफुल मैन, हल्का सा थ्रॉटल दे रहे हैं, बाइक उड़ रही है. और थ्रॉटल रिस्पॉन्स मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कैसा है, किस लेवल का थ्रॉटल रिस्पॉन्स है इस बाइक का. दिस थिंग इज क्रेजी मैन. जैसे S2 चलाई थी मैंने, तो ये भी सेम वैसे ही लिफ्ट हो रही है. सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद भी इसका लिफ्ट होना आप नहीं रोक सकते हो. तो यहाँ से हम वापस टर्न ले लेते हैं. अच्छा, ये है स्टेडियम, इस स्टेडियम की बात हो रही थी. दिस इज द इंटरनेशनल स्टेडियम. एक बार यहाँ रोक के आपको बाइक दिखा देता हूँ कैसी लग रही है. सो कुछ ऐसी लग रही है. काफ़ी लोग को असमेट्रिकल हेडलाइट्स नहीं पसंद थी, तो उनको ये वाली बाइक ज़्यादा पसंद आती है. और देखो, सबकी अपनी चॉइस है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ. दिस वन इज़ ओवरऑल अ बेटर बाइक, बेटर इंजन, मच मोर पावरफुल, मच मोर रिफाइंड. थ्रॉटल तो भाई मक्खन है, पानी है थ्रॉटल, एकदम ऐसा थ्रॉटल है. आगे से आप देख लो कैसी लग रही है. तो ओवरऑल बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा केपेबल है. उसमें आपको BMW के कैलिपर्स मिलने वाले हैं विद ब्रेम्बो रोटर्स. और बाइक बहुत खूबसूरत लग रही, कोई इलेक्ट्रॉनिक ऐसा नहीं है जो इसमें ना हो. और आई एम सॉरी फॉर दिस वियर्ड लोकेशन, बट यहाँ पे कोई रोड्स नहीं है तो मैं क्या करता. बाकी स्पीडोमीटर समझा देता हूँ आपको एक बार. स्पीडोमीटर देख सकते हो, दिस वन इज 6.5 इंचेस, फुल कलर डिस्प्ले, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, विद सिग्नेचर BMW रिंग, जिससे आप नेविगेट कर सकते हो मेन्यू में. तो सेम जैसे उस बाइक में था. यहाँ माई व्हीकल, यहाँ S1000RR बन के आ रही. 104 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 186 to MT, 13.3 वोल्टेज है बैटरी का. और एक्चुअली टायर प्रेशर और भी चीज़ें दिखाता है, 2.1 बार इन फ्रंट एंड 2.4 बार इन रियर. उसके बाद डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल की अगर बात करें,
अच्छा राइडिंग मोड, डिफरेंट राइडिंग मोड में हूँ मैं अभी, तो राइडिंग मोड चेंज कर सकते हैं। पहले मेन्यू से एग्जिट करना पड़ेगा हमें। ओके रेस प्रो, रेस प्रो 3 राइडिंग मोड्स जो इसमें कस्टम किए गए हैं या जो भी हैं, तो राइडिंग मोड्स देखो आप, रेस रेस प्रो 1, रेस प्रो 2, रेस प्रो 3 दैट्स फ्रिकिन S1000RR। और पीछे आपको मेटजिलर मिल जाएगा, दिस वन इज द 200x55। दिस लुक्स रियली सेक्सी मैन, प्यारी लग रही बहुत। सो एक रील ले लेते हैं इंस्टा पे, जिसने फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लो। तो अगर सस्पेंशन की बात करें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन मिल जा रहा है, और अभी इस रोड के लिए बहुत ज़्यादा स्टिफ फील हो रही है। ऑफकोर्स यार ट्रैक बाइक है, इस रोड के लिए बनी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे हीटेड ग्रिप्स मिल जाएंगी, राइडिंग मोड्स मैंने आपको बताया, उसके बाद हजार्ड मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, व्हीली कंट्रोल मिल जाएगा, और BMW जितनी चीज़ें बता सकती है सब मिल जाएंगी आपको इस बाइक में। थोड़ा सा थ्रॉटल लेते हैं, 200 BHP प्लस की बाइक राइड कर रहे हो तो वेरी पावरफुल बोलना इज अ नॉर्मल थिंग, स्पेशली जब आप टॉप ऑफ द लाइन ट्रैक मशीन राइड कर रहे हो, दैट टू टॉप ऑफ द लाइन ट्रैक मशीन, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। वाह यार जबरदस्त पावर है। मिरर्स की बात करें तो थोड़े से छोटे हैं मिरर्स, बट चलता है यार, आप एक रेस बाइक पे हो, एक स्पोर्ट्स बाइक पे हो प्रॉपर, तो मिरर्स यार इतने ज़्यादा, मतलब उनको एरोडायनामिक बनाने का ट्राई किया जाता है, प्रॉपर विंड टनल में टेस्टिंग होती है BMW बाइक्स की। ये वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे S1000RR की ब्रांडिंग मिल जाती है, एंड अपने को तो 2018 वाला मॉडल चाहिए मैन, क्या लगता था वो यार, असिमेट्रिकल हेडलाइट्स, इतना ज़्यादा शार्प, इतना एजी, बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे मैं। तो लीटर क्लास बाइक तो अपनी वही होने वाली है, ऑल दो ये बाइक यार ट्रैक मशीन है, प्रॉपर ट्रैक टूल है, और बहुत ही किलर मशीन है। सो इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है, अब अपने में बिल्कुल ताकत नहीं बची है, अगर कहीं अच्छी जगह होते तो इसको प्रॉपर भगा के देखते, बट इस टाइम तो अपने पास यहाँ स्पेस की कमी है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है यार, S1000RR चला रहा है लड़का, फॉलो तो बनता है अगर पोस्ट अच्छी लगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कभी नहीं होती है यार, आपके ऊपर डिपेंडेंट है सब कुछ। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, राइड हार्ड राइड सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड, वर्क हार्ड, बाय योर ड्रीम बाइक। वाओ मैन, बाकी डुकाती कावासाकी वल्कन S, कुछ खाने का टाइम है और बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है।